तो गाइज यहाँ पर जो आप लोग बंगलो देख रहे हैं, इस बंगलो का नाम है प्रतीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कभी अमिताभ बच्चन साहब रहते थे और आज भी ये उन्हीं का है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्ट में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग खड़े हैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके में। जी हाँ दोस्तों, सांता क्रूज वेस्ट में अभी हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है, 70, 80 और 90 दशक के अपने टाइम के खलनायक भी, बहुत किरदार उन्होंने एज ए खलनायक भी किए हैं फिल्मों में, जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आए। नॉर्मल सीरियस भी किया है, कॉमेडी तो गोविंदा के साथ में उनकी बहुत ही तगड़ी जोड़ी बनती थी कॉमेडी को लेके। जब भी किसी पर्दे पर गोविंदा, शक्ति कपूर और कादर खान मिलते थे, वो मूवी चलना, सुपर डुपर हिट होना तो तय ही थी। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी भी उन्होंने बहुत फिल्मों में करी है जो लोगों को पसंद आई है। वो कहते हैं ना, एक बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में उनकी गिनती हुआ करती थी, ऐसे सख्त थे कादर खान जी। जी हाँ दोस्तों, कादर खान मुंबई में कहाँ पे रहा करते थे, आज वो हम बिल्डिंग दिखाने वाले हैं, कौन से फ्लोर पे रहा करते थे, कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ वीडियो में आपको इसमें बताने वाले हैं। उनकी फैमिली में भी कौन कौन है। फिलहाल 31 दिसंबर 2018 का वो दिन था जब वो इस दुनिया को हम सबको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन वो कहते हैं, एक कलाकार जो है आदमी मर सकता है, लेकिन उसकी कला, उसके द्वारा किए गए अच्छे काम और उसके द्वारा की गई वो फिल्में और अभिनय, जो कि हमेशा हम सबके दिलों में ऐसे ही बसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग इस चौक पर खड़े हुए हैं और चौक से चलेंगे थोड़ा सा किनारे किनारे। वैसे आप लोग को बता दें, साइड में जो ब्लैक कलर की पन्नी और जाली आप लोग को दिख रही थी, यही अमिताभ बच्चन का वो बंगला है, और जो कि जुहू मुंबई के अंदर ही अभी बंगला स्थित है। बता दें आप लोगों को कि 4 से 5 बंगलों हैं मुंबई के अंदर अमिताभ बच्चन साहब के, जिसमें से ये पुराना बंगला है जिसका नाम है प्रतीक्षा। ये ब्लैक कलर की पन्नी आप लोग देख सकते हो और ये आगे बंगलों आप लोगों को दिख ही रहा। फाइनली अभी बरसात फिर से थम गई है और हम पहुँच गए हैं प्रतीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मेरे मतलब निकला है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब यार। तो फाइनली अभी प्रतीक्षा बंगलों के सामने खड़े हुए हैं, जो कि अमिताभ बच्चन का पहले बंगला हुआ करता था और आज भी बंगला है, पर वो रहा पहले करते थे यहाँ पे अपने फैमिली के साथ में, अपने पिताजी के साथ में, लेकिन अभी वो जलसा में शिफ्ट हो गए हैं, पूरी फैमिली के साथ जलसा के अंदर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई पूजा होती है तो वो पूजा करने इसी बंगलों में आते हैं। ये जो पीछे हमारे बंगलों देख सकते हैं, ये वाला प्रतीक्षा, इसी बंगलों में वो आज भी पूजा करने आते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बंगलों को छोड़ के बहुत सारी एरिया पड़ी है, गार्डन जैसा पीछे बना हुआ है, और एक बंगला तो उनको जलसा के पीछे ही जस्ट है, जिसमें कहा जाता है आराध्या जो उनकी पोती है उसके लिए खेलने के लिए वहाँ पे गार्डन बना दिया गया है। तो सोचो, एक जगह पूजा करने एक बंगले में आते हैं, एक बंगले में आराध्या के लिए पूरा गार्डन बना देते हैं। तो ऐसे भाई महानायक सदी के, पैसा तो खूब ही कमाया उन्होंने अपनी मेहनत करके। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करते हैं, दिखाते हैं प्रतीक्षा बंगले को। तो थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो अमिताभ बच्चन इसमें अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी के साथ में रहा करते थे, और अभी ये बंगलों में अभी भी वो एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे वो हर त्यौहार पे पूजा करने आते हैं, ऐसा मीडिया की माने तो ऐसा ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि आज भी हम प्रतीक्षा वाले बंगले में एक मंदिर है जिसमें हम अभी भी पूजा करने जाते हैं पूरे परिवार के साथ। तो अमिताभ बच्चन के थोड़े से बायोग्राफी की बात करें तो इनका जो है पूरा नाम है अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव। जी हाँ, बच्चन तो इन्होंने बाद में लगाया लेकिन ये श्रीवास्तव हैं, और हरिवंश राय जो है इनके पिताजी का नाम था तो उसी के साथ में ये अपने नाम को जोड़ लिया है। तो बॉलीवुड के मुन्ना कहे जाते हैं, बिग बी कहे जाते हैं, एंग्री यंग मैन कहे जाते हैं, ए बी सीनियर कहे जाते हैं, अमित कहे जाते हैं और शहनशाह भी कहे जाते हैं। ये इतने उपनाम ये इनके चलते हैं, और इन्होंने अभिनय ही किया है फिल्मों में, तो ये सिर्फ एक्टर ही हैं, है ना। और इनका जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, और 2022 की माने तो ये अभी 80 वर्ष के हो चुके हैं। और इनका जो है जन्म इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जो कि मुंबई के इसी बंगलों में पहले अपने पिताजी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में रहा करते थे, और अभी वो जलसा में रहते हैं अपने फैमिली के साथ में। वैसे तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग है वो ज्ञान प्रमोदिनी बायज हाई स्कूल इलाहाबाद से ही करी है ना। इन्होंने विज्ञान में स्नातक किया है। इनकी डेब्यू फिल्म की अगर बात करें दोस्तों अमिताभ बच्चन की, तो 7 हिंदुस्तानी की फिल्म आई थी 1969 में, 7 हिंदुस्तानी, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था अपनी फिल्मों में।
और इन्होंने टीवी सीरियल भी एक किया है, टीवी शो भी किया है, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी, जो कि 2000 से लगातार 2022 तक अभी भी यही होस्ट कर रहे हैं केबीसी को। तो आप लोग देखते ही होंगे, इनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन जी था, जो कि एक महान कवि हैं। उनकी माता का नाम तेजी बच्चन स्याना, सौतेली माँ है इनकी, तेजी बच्चन इनकी असली माँ का नाम था। तो ऐसी कुछ इनके बारे में जानकारी। इनके भाई की बात करें तो अजिताभ बच्चन इनके भाई का नाम था, इनकी बहन तो ज्ञात नहीं है, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अभी जो इनका मेन पता है वो जलसा में रहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। इनको गाने का, ब्लॉगिंग का और पढ़ने का बहुत शौक़ है, जैसा कि ये खुद बताते हैं। इनके पास अगर कार की बात करें तो इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी है, और एक है बेंटले ऑर्नेज आर इनके पास गाड़ी है। इनको जो है खेल बहुत, क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, और विवाहित हैं। 3 जून 1973 को इनका जो विवाह हुआ था। और इनकी जो गर्लफ्रेंड की बात करें तो स्वर्गीय प्रवीण बेबी इनकी जो है गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जो कि भारतीय अभिनेत्री थी, रेखा भारतीय अभिनेत्री थी, वो भी इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और जया भादुरी भारतीय राजनीतिक की पूर्व भारतीय अभिनेत्री भी हैं, उनसे इनकी शादी हुई है और अभी भी वो इनके साथ रहती हैं। और इनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है, आप सभी लोग जानते हो, जो कि एक अभिनेता है। इनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन है और नंदा, ठीक है। तो ये इनका कुछ है। और इनकी अगर कुल संपत्ति की बात करें तो $400 मिलियन लगभग इनकी नेटवर्थ है, $400 मिलियन। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये अमीर हैं बॉलीवुड में, और 20 करोड़ पल फिल्म के ये चार्ज करते हैं, जो कि मुंबई के इसी बंगलों में पहले रहा करते थे। ये है प्रतीक्षा, अमिताभ बच्चन का बंगलो, जो कि जुहू मुंबई के अंदर स्थित है, ठीक है। और अभी वो जलसा में रहते हैं, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हमने आप सभी लोगों को दिखाया अमिताभ बच्चन जी का दूसरा वाला बंगला, जो कि है प्रतीक्षा, जो कि बहुत सारे कम लोग जानते होंगे। वैसे तो जलसा में अभी वो रहते हैं, लेकिन जलसा तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया, मैंने भी पिछली बार बना के दिखाया था। लेकिन जो पिछला वाला जहाँ पे अपने वो पिताजी के साथ रहा करते थे कुछ साल पहले, जब उनके पिताजी दुनिया में हुआ करते थे, तो वो है प्रतीक्षा घर, जो कि पहले बहुत लोग पुराने लोग हैं जो वो जानते होंगे, प्रतीक्षा में वो रहा करते थे, लेकिन उसके बाद वो जलसा में रहने लगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात का मौसम है, तो उसमें भीगते भागते भाई बना रहे, आज तो स्लीपर पहन के आए, जूते भीग रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे मेरे, चलते रहते भीगे जूते पहन के, तो आज स्लीपर पहन के आए हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल पे पहली बार विजिट करो, पिक्चर को सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन कार्ड पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।